अब सिर्फ कहते हैं विच डज नॉट क्वालिफाई, मतलब सेट आज का कैसा मान लीजिएगा इस नेबरहुड ऑफ पॉइंट एक्स नॉट, कह रहे हैं ये दिया गया सेट कैपिटल है अपने किसी दिए गए पॉइंट एक्स नॉट का नेबरहुड होगा केवल और केवल तब इफेक्ट ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल एन। अगर आपको कोई एक पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल एन ऐसा मिल जाता है कि एक स्मार्ट माइनस वन अपॉन एन से एक स्मार्ट प्लस वन अपॉन एन, ये जो आपका ओपन इंटरवल है ये सबसे बड़ा है किसका, इस दिए गए सेट का। इसमें एक बात छुपा ली एक्स नॉट बिलोंग टू दिस, क्योंकि वो बात अंडर स्टूड जब आप रेडियस की भी मान लो वन अपॉन एन का सेंटर कवर होगा स्मार्ट होगा, सेंटर को एक स्मार्ट मानो और एक स्मार्ट मान करके वन अपॉन एन आगे और वन अपॉन एन पीछे, ये जो आपका ओपन इंटरवल निकल कर क्या है एक स्मार्ट माइनस वन अपॉन एन से एक स्मार्ट प्लस वन अपॉन एन, अगर ये ओपन इंटरवल एन में कंटेन हो जाता है तो ये एन दिए गए पॉइंट एक्स नॉट के लिए क्या होता है और अगर कैपिटल एन नेबरहुड है एक्स नॉट का, तो हम लोग सेकंड डेफिनेशन लाते हैं नेबरहुड की कि अगर कोई पॉइंट, अगर किसी पॉइंट के लिए कोई सेट नेबरहुड बनेगा, ये पॉइंट सिर्फ सेट में बिलोंग नहीं करेगा बल्कि सेट में अंदर तक फंसा हुआ डीपली स्पाइक इन द सेट, यानी यहाँ पर आपको एक नंबर एप्सिलॉन ऐसा मिलेगा कि एक्स नॉट ओपन इंटरवल एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन से एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन में बिलोंग करेगा और वो ओपन इंटरवल कंटेन होगा किसमें एन में कंटेन। Then, there exists, यहाँ पर मौजूद होगा epsilon greater than zero such that x naught belong to the open interval x naught minus epsilon से लेकर के x naught plus epsilon and this be the subset of R set n। अगर ये बात दिमाग में हमेशा बनी रहे, हर हमेशा बनी रहनी चाहिए, कोई नंबर दिया गया आप केवल उसको पढ़ पांच साल ठीक कर, तो अगर वो नंबर पॉजिटिव है बारह पांच साल पॉजिटिव होगा चर्चा है तो सबसे पहले तो हमको एक ऐसा नंबर मिलेगा मिलेगा जो वन अपॉन एप्सिलॉन से बड़ा होगा, अब तो हम उधर इस बात की बात नहीं कर, एक नंबर मुझको ऐसा एक इंटीजर ऐसा मिलेगा, अब हम क्या बोलेंगे इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, हम लोग जो लेंगे तो उसका दोनों पॉजिटिव, नॉर्मली कोई एक पॉजिटिव रहता है दूसरा चालीस होता है, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर टू पॉजिटिव रियल नंबर देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एन सच दैट एन इनटू ए कंफर्मली। इसका मतलब अगर वन अपॉन एप्सिलॉन मेरा पॉजिटिव नंबर है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तो ऑब्वियस बात वाले पापी हो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से, इसलिए आर्किमिडियन की प्रॉपर्टी कहेगी ना
आर्किमिडियन नाउ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी नाउ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी सेज आर्किमिडियन की प्रॉपर्टी कहेंगे इट इज ऑलवेज पॉसिबल इट इज ऑलवेज पॉसिबल इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू फाइंड इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू फाइंड अ पॉजिटिव इंटीजर टू फाइंड अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन एनी रियल नंबर ग्रेटर देन एनी रियल तुमको लग रहा हो कि बिल्कुल अलग चीज है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है वही बात है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कहती है कि आपके पास अगर कोई भी रियल नंबर पड़ा हुआ है हमेशा ये पॉसिबल है कि आप उससे बड़ा रियल नंबर तैयार कर सकते हमेशा इसी चीज को मैंने ऐसा किया इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू फाइंड अ पॉजिटिव इंटीजर हमेशा ऐसा पॉजिटिव इंटीजर आप फाइंड आउट कर सकते हो ग्रेटर देन एनी रियल नंबर जो दुनिया की किसी भी रियल नंबर से बड़ा होगा दुनिया के किसी भी रियल नंबर से बड़ा होगा रियल की बात करें इन्फिनिटी एक नंबर नहीं है तो ये मैं कहना है इन्फिनिटी से बड़ा ना तो इन्फिनिटी केवल और केवल सिंबल है यहाँ केवल और केवल रियल नंबर की बात हो रही है तुम्हारे पास कोई भी रियल नंबर पड़ा हो वो कितना भी बड़े से बड़ा हो तुम उससे भी बड़ा एक इंटीजर पा सकते हो हमेशा जैसे तुम्हारे पास अगर कोई नंबर पड़ा हुआ है ठीक प्लस एट नाइन ये इंटीजर है हर कोई 0.89 उसमें ऐड हुआ अब तो इंटीजर नहीं रहा ये तुम्हारे पास कोई भी एक रियल नंबर रियल नंबर इंटीजर भी हो सकते हैं फ्रैक्शन भी हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं ये रियल नंबर है हमेशा पॉसिबल है हम इससे बड़ा इंटीजर बना सकते हमेशा कौन होगा इससे बड़ा इंटीजर बनाना चाहो ये तैयार और एक दो बनेंगे लाखों करोड़ों बनेंगे ना इनफाइनाइट रियल नंबर आप कैसे बना सकते इनफाइनाइट इंटीजर ऐसे पाओगे जो उस लिखे गए रियल नंबर से हमेशा कैसे होंगे बड़े यही आर्किमिडियन की अच्छा उधर फिजिक्स में बताओ फिजिक्स में आर्किमिडियन का लाभ क्या होता है फिजिक्स अरे उत्प्लावन बल का सिद्धांत बताए कोई भी वस्तु अपने भार के बराबर पानी का डिस्प्लेसमेंट करती है यही तो आर्किमिडियन का नियम था कुछ और यही था ना टूटी फूटी भाषा में यही था कि आपका जितना वजन होगा पानी में कूदोगे तो उतने पानी बाहर आएगा आपके वजन के बराबर पानी बाहर आएगा यही तो आर्किमिडियन का सेम कंडीशन मतलब अगर ज्यादा पानी का डिस्प्लेसमेंट करना हो ज्यादा पानी का तो और भारी चीज डालो पहले वाले से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा इसका मतलब किसी एक बॉडी से जितना पानी डिस्प्लेस हो रहा है आप हर बार ये पॉसिबल है कि कोई एक बॉडी ऐसी खोज लो जो उससे ज्यादा पानी का डिस्प्लेसमेंट करे हमेशा पॉसिबल है पर रियल नंबर के केस में आ गया है जोड़ दो कनेक्शन में क्या है अपने लोग तो ऐसे ही कनेक्ट करने में मार है यही है कि अगर मेरे पास कोई भी रियल नंबर पड़ा हुआ है तो हम उससे भी बड़ा इंटीजर हमेशा पा सकते हैं अगर मैंने पहले ही कोई बॉडी से पानी का डिस्प्लेसमेंट किया है तो उससे ज्यादा पानी का डिस्प्लेसमेंट हम कर सकते हैं बस उससे ज्यादा भारी बॉडी उसमें डाल देनी है अरे अभी 50 ग्राम का पत्थर डालो 1 किलो का पत्थर डाल दो ज्यादा पानी डिस्प्लेस किए कि नहीं किए अगर तुम 500 किलो का पत्थर डाले हो तो अगली बार 502 किलो का पत्थर डालो उससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा हर बार ये पॉसिबल है पृथ्वी को कैंड हो रहे हो बृहस्पति को डुबो दो कौन ना अगर पृथ्वी कैंड हो रहे हो किसी समुद्र में ले जाकर के बृहस्पति को डुबो दो उससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा कैसे डुबोएंगे बल होना चाहिए चिमकी नहीं होना चाहिए इसके लिए खतरनाक लोग खतरनाक स्टेटमेंट पास करते हैं क्यों तो पूरा ब्रह्मांड घुमाई अब पता है बृहस्पति इतना बड़ा है बृहस्पति इतना बड़ा है कि अगर बृहस्पति पर पृथ्वी को रख दो ना तो जैसे किसी बड़े थाल पर केवल आपने अठन्नी का एक सिक्का रखा होगा बस इतना ही नजर आएगा
सोच लो ब्रह्मांड का वो छोर नहीं है और उससे भी बड़ा सूर्य है, और उस सूर्य से ना जाने कितने बड़े ग्रह तैर रहे हैं। बस अपनी आकाश गंगा में हो सकता नहीं हो, या अपनी आकाश गंगा में हम लोग घूमे थोड़ी हैं। ऐसा और छोड़ नहीं, ब्रह्मांड तो एक ऐसी चीज है ना कि उसका अता पता ही नहीं लग रहा है कि वो कितनी दूर तक फैला हुआ है, किसी को अता पता नहीं। और दूसरी चीज, एक किनारे से दूसरे किनारे तक ट्रेवल नहीं किया जा सकता, ये भी तो बवाल है। ट्रेवल करने के लिए सबसे बड़ा बवाल कौन है? ई बराबर एम सी स्क्वायर, वो बाउंड्री है आपकी, मतलब वो तो आपको ट्रेवल करने ही नहीं देगी। यही तो है इक्वेशन ई बराबर एम सी स्क्वायर, जिसमें कहा जाता है कि अगर कोई भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा तो उसका मास इंफिनिटी की तरफ बढ़ जाएगा, तो वो आपको ट्रेवल करने नहीं देगा। बताओ हम 50 किलो के होंगे? नहीं, हम 70 के होंगे ज्यादा से ज्यादा। और हमको स्पीड ऑफ लाइट से भेजो, देखो हम पूरी दुनिया से ज्यादा भारी नजर आ रहे हैं। तुमको भेजने की बात है, तुम लोग हमको भेज सकते हो। पुराने जमाने में मैथमेटिक्स ऐसे नहीं डेवलप हो रहे थे, सब काम करते थे मैथ को, बस एक नाम होता था मैथ, ज्योमेट्री के नाम अलग थे, ज्यामिति उसका था ना, उसका डेवलपमेंट चलता। अलजेब्रा का डेवलपमेंट बहुत बाद में हुआ, अलजेब्रा का डेवलपमेंट धीमे धीमे हुआ, फिर उसके बाद कैलकुलस का डेवलपमेंट हुआ था। कैलकुलस से ब्रांच बनती है रियल एनालिसिस। ये कैलकुलस कौन है? कैलकुलस है जिसमें अलजेब्रा का, ज्योमेट्री का, सबका यूज करके आप कैलकुलस को डील कर रहे हैं। देखा ये गया, जब आप ज्योमेट्री पढ़ रहे थे तो ज्योमेट्री से जिन चीजों के आप एरिया सरफेस वॉल्यूम वगैरह निकालते थे वो हार्ड पड़ रहा था, उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने कैलकुलस को डेवलप किया, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ये इन्होंने, आप कौन है, डिफरेंशिएशन क्या है, बड़ी चीजों को छोटा कर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन क्या है, छोटी छोटी चीजों को जोड़ करके बड़ा कर देना। तो इन्होंने इन सारी चीजों को मिला करके ना नई मैथमेटिक्स की ब्रांच ही डेवलप कर दी, और उसके बाद इन चीजों का एरिया सरफेस वॉल्यूम निकालना काफी आसान हो गया। और फिर ये डेवलपमेंट, कैलकुलस का डेवलपमेंट ना रियल एनालिसिस का होता है। तो रियल, ये लोग ना इस बात को रियल एनालिसिस में थोड़ी ना कहते, ये बात कैलकुलस में कही गई, बाद में पूरा कैलकुलस रियल बन चुका था। तो ये सारी बातें ना मानी गई, ये सारी बातें रियल एनालिसिस का हिस्सा। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग बहुत शुद्ध, बहुत प्योरिफाइड चीजें पढ़ रहे हैं। उस दौर में इतना प्योरिफाइड ना, हम लोग इतना प्योरिफाइड पढ़ रहे तो हम लोगों को नहीं समझ में आता है। सोचो वो लोग गजब इसको बनाए, ताज्जुब तो इस बात का है, लेकिन वो लोग बनाए इसके लिए ना, उनके पास टीवी नहीं था कि वो तितलियां वर्गा देख रहे होते, हम लोगों के पास है, हम लोग देखते हैं। नहीं ठीक है, अब पुराना हो गया, तितलियां वर्गा गया तो हम लोग तो बेचारे फुर्सत नहीं पाते। तितलियां वर्गा पुराना हुआ, आदत बनी तो छोड़ देंगे। वो पुराना हुआ तो जो टोनी खक्कड़ उनका ग्रामर ही सही नहीं हुआ आज तक, उसका बंदे का अलग ही, मतलब उसका स्वाइप चला ही चलता है ना। किसी को भी सब कुछ नहीं आता, किसी को भी नहीं आता, किसी को सब कुछ आ गया ना वो देवता हो जाएगा, इतना आसान थोड़े। इट इज ऑलवेज पॉसिबल, अगर सब आता तो वो जो पैराडॉक्स बने जो आज तक सॉल्व नहीं हुए वो उसी दौरान सॉल्व हो चुके होते। अगर सब आता तो इसका मतलब उनको भी सब नहीं आता था। तो इससे कह के अपने लिए ना ये रास्ता मत बनाना कि उनको सब नहीं आता मुझको नहीं आता फिर ये मार्ग, ऐसा नहीं। इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू फाइंड अ पॉजिटिव इंटीजर, हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर आप ऐसा बना सकते हो जो ग्रेटर देन एनी रियल नंबर, जो आपके द्वारा चुने गए किसी भी रियल नंबर से बड़ा होगा। अब सुनना, वन अपॉन एप्सिलॉन कैसा है? रियल नंबर। वन अपॉन एप्सिलॉन कैसा है? रियल नंबर। हम इससे भी बड़ा इंटीजर बना सकते हैं। सवाल ये उठा क्यों इस बार ग्रेटर देन की बात लिख जा, आज तक तो लिखता है हाउ एवर स्मॉल दैट क्वांटिटी विल बी, ये क्वांटिटी कितनी भी छोटी हम इससे भी छोटा बना सकते थे इंटीजर को पलट करके, यही कहते थे ना। तो यहाँ ग्रेटर देन वाली बात क्यों की, क्योंकि एप्सिलॉन जितना छोटा होगा वन अपॉन एप्सिलॉन उतना बड़ा होगा। समझना, एनालिसिस में मेन बात यही है, एनालिसिस में आप लिखे गए चीजों को कुरेदते कैसे हो। आज तक पढ़ते आए, जब भी मुझको डिस्टेंस कम करनी थी तो हम कहते थे हाउ एवर स्मॉल दैट क्वांटिटी विल बी, हम उससे भी छोटा, उससे एक इंटीजर बनाते थे जिसको पलट के उससे भी छोटी क्वांटिटी बनाते थे। लेकिन आज हम क्या लिखे, आज हमने लिखा इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू फाइंड अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन एनी रियल नंबर, रियल नंबर से बड़ा पा सकते हैं। ये ग्रेटर देन की वर्डिंग इसलिए इस्तेमाल की क्योंकि यहां इस्तेमाल किसका है, एप्सिलॉन का, तो इसका मतलब और एप्सिलॉन की जगह बैठाना किसका है, एप्सिलॉन की जगह बैठाना किसको, वन अपॉन एन को। अगर ये एप्सिलॉन इज इक्वल टू वन अपॉन एन हो जाए मेरी थ्योरम का एक हिस्सा हो गया कि नहीं हो गया,
तो अगर ये एप्सिलॉन है तो वहां अपन अपॉन एप्सिलॉन तब बैठा पाओगे जब आप एन और वन अपॉन एप्सिलॉन के रिलेशन को किसमें किसमें एन में और वन अपॉन एप्सिलॉन इनमें रिलेशन इसमें अगर रिलेशन करो तो गौर करो अगर आप देखो एन ग्रेटर देन वन अपॉन एप्सिलॉन तो उल्टा क्या लिखोगे पलटो वन अपॉन एन प्लस एन however small epsilon will be we always find an integer small n such that 1 upon n more small than 2 epsilon aage wahi ki nahi aa matlab shuruaat kahan se isliye hui kyunki 1 upon epsilon se apne ko connect karna hai ek aap jin logon ko lagta hai epsilon ke chote hone se 1 upon epsilon bada kaise hoga bol agar aap epsilon is equal to 1 upon 100 lo choti quantity hai ki nahi to dekho 1 upon epsilon kya ho jayega पलटते ही कितना 100 बड़ा हो गया कि नहीं अगर आप एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 करोगे पुराने वाले से ज्यादा छोटा कर दिया लेकिन उस दिन 1 अपॉन एप्सिलॉन और बड़ा हो चुका मतलब एप्सिलॉन को आप जितना कम से कम करते जाओगे 1 अपॉन एप्सिलॉन उतना बड़े से बड़ा होता जाएगा तो उस बड़ी चीज को छोटा करने के लिए आपको और बड़े नंबर की जरूरत है दो लाइन है दो लाइन को छोटा करना मतलब दो लाइन है एक को बड़ा एक को छोटा करना है दो ही चीजें हैं आपके पास या तो इसको मिला करके छोटा और या तो इसके पैरेलल में एक लाइन से फिर अगर आप ये काम करते हो इसको मिला करके छोटा करते हो आप दुनिया में जी और दुनिया में आप सबसे भ्रष्ट प्राणी हो किसी को नीचा दिखा करके उसको छोटा बनाना सबसे भ्रष्ट काम अगर आप ये काम करते हो तो आप सबसे भ्रष्ट प्राणी इस संसार के सबसे भ्रष्ट प्राणी सबसे लेटेस्ट उसको दिखा देगा लेकिन अगर आप क्या एक दूसरे की शादी करो लेकिन अगर आप इसको छोटा करने के लिए दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करते हो एक और बड़ी लाइन खींच देते हो मतलब आप सबसे अच्छे आदमी को आप रियल एनालिसिस के काम रियल एनालिसिस में अगर किसी चीज को छोटा करवाता हूँ तो डिलीट नहीं करते उससे बड़ी एक क्वांटिटी निकाल के पलट देते और मेरा काम हो जाता तो आप एक दूसरी लाइन ट्रेस करो जो ऊपर वाले से कैसे बड़ी अब यह ऑटोमेटिकली छोटा आपने कुछ हरकतें भी नहीं की दुनिया की नजर में अच्छे भी बने रहे बहुत मेहनत करके बने लेकिन तो हम लोग यही काम करें वन अपॉन एप्सिलॉन जितना बड़ा होगा इससे भी बड़ा इंटीजर हम लोग पा सकते हैं इसमें से घटा करके नहीं अलग से एक इंटीजर पा लेंगे कितना एन विच इज ग्रेटर देन वन अपॉन एप्सिलॉन और जितना बड़ा आपको एन मिलेगा वन अपॉन एन उतना छोटा हो जाएगा यानी वन अपॉन एन लेस देन कितना होगा अभी बात की क्लियर है इन सारी चीजों पर निगाह रखा करो कि कोई अब तक हाउ एवर स्मॉल था तो अब ग्रेटर देन क्यों लगा ना अब लार्जर देन क्वांटिटी क्यों ली जा रही है इस पर निगाह रखा करो कनेक्शन जिनका देना है उनके बीच से बात हुआ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी सेज दैट इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू फाइंड अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन एनी रियल नंबर सो वी कैन चूज इसलिए आप चुन सकते हैं जब आर्किमिडियन ने खुद आपको खुली छूट दे दी कि दुनिया के बड़े से बड़े रियल नंबर से भी बड़ा इंटीजर आप फाइंड आउट कर सकते हो जब वन अपॉन एप्सिलॉन बड़ी क्वांटिटी होगी तो आप इससे भी बड़ा इंटीजर स्मॉल एन बना सकते हो आपको खुली छूट है सो वी कैन चूज स्मॉल एन ग्रेटर देन वन अपॉन एप्सिलॉन बच गया so we can choose small n greater than 1 upon epsilon इसलिए अब हम लोग एक इंटीजर स्मॉल एन ऐसा चुन सकते हैं जो 1 upon epsilon से बड़ा हो जरा चेक करते हैं दिस इंप्लाइज दैट 1 upon n कंफर्मली लेस देन कितना epsilon एक बार दूसरी बार एंड जरा माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस 1 upon n इज ग्रेटर देन सहमत हो आप दोनों में एक बराबर क्वांटिटी ऐड करो एक बराबर क्वांटिटी वो कौन है एक्सलॉन अब हम क्या इंटरवल डिजाइन करने जा रहे हैं दो मिनट इतना बताओ दिस इंप्लाइज अगर वन अपॉन एन लेस देन एप्सिलॉन है और दोनों को एक बराबर क्वांटिटी दी जाए दे आर फॉर रियल नंबर का सेट ऑर्डर्ड फील्ड होगा यानी ऑर्डर्ड फील्ड बनने वाला है ठीक है एक्सलॉन प्लस सहमत हो इस बात से दोनों साइड में एक्सलॉन ऐड कर दिया इनइक्वालिटी बरकरार रहेगी अगला इधर दोनों साइड में एक्स नॉट ऐड कर दो एंड
x नॉट माइनस वन का मान है इज ग्रेटर देन x नॉट माइनस थ्री, लिखा जा सकता है। अब जरा इन सबको समेटिए एक साथ, सबको समेटिए। सबसे पहले आपका है x नॉट माइनस एक्स का, x नॉट माइनस एक्स का उससे बड़ी क्वांटिटी कौन है, x नॉट माइनस वन अपॉन, सहमत हो इस बात से। और x नॉट में से वन अपॉन एन घटा हुआ क्योंकि एक इंटीजर था और कैसा पॉजिटिव इंटीजर था तो घटा रहे हो, तो दिस इज कंफर्म इट इज देयर x नॉट। और x नॉट से छोटा कौन होगा, x नॉट प्लस वन अपॉन, और x नॉट प्लस वन अपॉन एन से बड़ा कौन। अब गौर करो, इंटरवल x नॉट माइनस एप्सिलॉन से x नॉट प्लस एप्सिलॉन के बीच में आपको एक इंटरवल मिल गया x नॉट माइनस वन अपॉन एन से x नॉट प्लस वन अपॉन, मिला कि नहीं। यानी दिस इंप्लाइज दैट ओपन इंटरवल x नॉट माइनस वन अपॉन एन से लेकर के x नॉट प्लस वन अपॉन एन, ये इसका कंटेंट है इस हिस्से में, दिस इज द सबसेट ऑफ x नॉट माइनस एप्सिलॉन से x नॉट प्लस एप्सिलॉन, एंड दिस क्वांटिटी इसका हल है, दिस इंटरवल इज द सबसेट ऑफ n, इज द सबसेट ऑफ। अब सोचो आपको पूरा क्या मिला, आपको मिला ये कि अब आप सीधे लिख सकते हो, शुरुआत कहां से किए, n बी द नेबरहुड ऑफ x नॉट, और ये मान करके चलते चलते आपको मिला क्या, x नॉट माइनस वन अपॉन एन से x नॉट प्लस वन अपॉन एन इज द सबसेट ऑफ, मिल गया। इट मींस कंडीशन इज दिस इंप्लाइज दैट x नॉट माइनस वन अपॉन एन से लेकर के x नॉट प्लस वन अपॉन एन इज द सबसेट ऑफ, कंडीशन इज दिस। तुम्हारे मतलब का है बीएससी का कोर्स एक बार उठा करके देखना, तो तुमको
को पता चलेगा जो तुमको दिखाया जा रहा है सफेद झूठ, सफेद झूठ, सामने ही झूठ बोल रहे हैं। अपनी जो किताबें चलवा रहे हैं उसमें वो चीज़ें नकारा कर दी गई हैं और कहा जा रहा है इतना ही तुम्हारा तुम्हारा ही पूरा कुछ इतना चल रहा है इस तरह बस किताब अच्छी पढ़ रही है तो तुमको पता चलेगा कि चीज़ें क्या और बना देगा इसी पर कोई सवाल ना कोई सवाल इसी बना दिया विधाता ना करे कि हमको विधाता ना करे कि हमको अथॉरिटी मिले कोई पेपर बनाने की और मिल गई ना तो यहीं आप यूनिवर्सिटी में पेपर बनाइए पढ़ाना पड़ेगा बना देंगे और बना रीजन है ना कोई शुरुआत करेगा तभी होगा अभी पूरी बहुत गड़बड़ कर रही है। अच्छा पता है हम लोग कल चढ़ते हैं इसलिए चढ़ रहे हैं ना अब जितने नए लड़के निकल रहे हैं जितने नए निकल रहे हैं यहाँ बात हम दूर की बात नहीं दूर अभी भी कंडीशन अच्छी है अपने यहाँ निकल कर कंडीशन ये लोग निकलते हैं और ये लोग पढ़ाने चले जाते हैं एमएससी किए एमएससी करने के बाद पढ़ाना बुरा नहीं था पढ़ाओ की मेहनत तो करवा सीखो तुम शुरू से आलसी हो चुके हो शुरू से तुम लोगों को ये बता दिया गया ये तुम्हारे मतलब था कि तुम एक नोट्स अपनी रख लिया उसी नोट्स को लेकर के तुम ऑनवर्ड पढ़ाते चले जा रहे हो ऑनवर्ड पढ़ाते चले जा रहे हो और लड़कों को भी तुम वही सिखा रहे हो तो एक जहर तुम्हारे अंदर बो दिया गया तुम उसको मेहनत तो करवा ही रखी अपने यहाँ के लड़कों को लीनियर अलजेब्रा में फिल्टर की किताब थोड़ा दो ना हाथ तक बुलाएगा और जबकि अच्छी यूनिवर्सिटी में फिल्टर का लीनियर अलजेब्रा पढ़ाया जा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में आशा गौरी शंकर का आशा गौरी शंकर मतलब अच्छी राइटर उनका अलजेब्रा उनका ग्रुप थ्योरी पढ़ाया जा रहा है अपने यहाँ ग्रुप थ्योरी के नाम पर क्या पढ़ाया जा रहा है हर बार वही एक ही चीज़ सिंपल सिंपल टू की पावर इन टू थ्री की पावर इन टू जैसा से एक्स प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स वाला से फोर्थ रूट्स ऑफ If f is LGD of x naught, so if n is LGD of x naught, इसलिए अगर दिया गया सेट दिए गए पॉइंट x naught के लिए नेबरहुड का काम करता है so if f is the LGD of x naught, then there exist positive integer small n positive integer small n तब यहाँ पर positive integer small n जरूर मिलेगा such that जो इस प्रकार होगा such that कि open interval x naught minus 1 upon n से लेकर के x naught plus 1 upon n ये content होगा आपके दिए गए set condition is necessary कंडीशन होने का मतलब ये कि जब जब कोई कहेगा कि एक सेट किसी दिए गए पॉइंट का नेबरहुड है कोई जैसे कहे कि कोई दिया गया सेट किसी दिए गए पॉइंट का नेबरहुड है तुरंत तय कर लो कि एक शब्द जरूर होगी कि एक ऐसा इंटीजर आपको मिलेगा कि पॉइंट को सेंटर मान करके x0 माइनस 1 अपॉन n से x0 प्लस 1 अपॉन n तक का जो इंटरवल आएगा वो उसी सेट के अंदर में कंटेंट होगा ये होगा ही कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता अब यही सब सफिशिएंट बनने जा रहा है मतलब अगर ये शर्त है आपके हाथ में तो आप बिना किसी बात के कह सकते हो कि दिया गया सेट इस दिए गए पॉइंट के लिए किसका पार्ट लेबर होता ये ना इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट वाली बात है यानी अगर किसी ने लिखा n इज LBD of x naught इसका मतलब है उसने कह दिया कि ओपन इंटरवल x naught माइनस 1 अपॉन n से x naught प्लस 1 अपॉन n ये कंटेंड है इसमें और अगर ये कह दिया तो इसका मतलब तो इसकी हां है मतलब ये नहीं आएगा तो ये नहीं आएगा और अगर ये नहीं हुआ तो ये भी आएंगे तो एक साथ जाएंगे तो भी इसीलिए नेबरहुड है तो इस कंडीशन का आना जरूरी है और ये कंडीशन हाथ में है तो किसी और शब्द की जरूरत नहीं पर्याप्त आपका दिया गया सेट किए गए पॉइंट के लिए किसका काम करेगा नेबरहुड का काम आप ही मान सकते और पता है ऐसे एक दो इंटीजर नहीं होंगे ऐसे इनफाइनाइट इंटीजर होंगे
तीन फाइल है, एक तो नहीं एप्सिलॉन रेडियस टू एप्सिलॉन आर्बिट्री स्मॉल, जितना बनते उतना छोटा एप्सिलॉन कर आप गौर करना, आर्बिट्री रेडियस क्या एप्सिलॉन राइट टू एप्सिलॉन, जब तक ये एप्सिलॉन रेडियस का सर्किल है एस एस नंबर, ये एप्सिलॉन रेडियस का सर्किल है, इससे आधी रेडियस का सर्किल इसी के अंदर में तो कंटेंट होगा, सेंटर नहीं बदल रहे, सेंटर वही एक्स नॉट है, क्योंकि नेबरहुड किसका तलाश करे, एक्स नॉट का तलाश करे, तो इसका मतलब एप्सिलॉन रेडियस के अंदर में कौन बैठेगा, एप्सिलॉन बाय 2 रेडियस वाला, और वो भी ओपन इंटरवल है तो उसके अंदर में कौन बैठेगा, एप्सिलॉन बाय 3 वाला, उसके अंदर में एप्सिलॉन बाय 4, उसके अंदर में एप्सिलॉन बाय 5, क्या ये कभी खत्म होगा, एंड अप्रोचेस टू द इंफिनिटी, लिमिटिंग बिहेवियर जीरो का है, ये लिमिटिंग बिहेवियर जीरो का है, लेकिन आप क्या करो, आप लिमिटिंग बिहेवियर थोड़ी देखो, एप्सिलॉन एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन बाय 3 एप्सिलॉन बाय 4 एप्सिलॉन बाय 5 एप्सिलॉन बाय 6, क्या ये इंटीजर आपको मिल रहा है, आपको से लाखों करोड़ों इंटीजर मिल रहे हैं कि हर बार उसको पॉइंट को सेंटर मान करके उस रेडियस का गोला अगर आप खींच रहे हो तो वो उसी दिए गए सेट के अंदर में कंटिन्यू आई बात सुनो, रियल नंबर की लाइन पर ये बात इंटरवल में की जाती है, हम जनरलाइजेशन बोल रहे हैं तो हम सर्किट बोलते हैं, अब हट गया ना सफिशियंट पार्ट, सफिशियंट पार्ट
चार पांच एक ही पॉइंट पांच के ये पांच ठीक है। भाई के पास एक नेबर हो इसका जरूर निश्चित तौर एकदम, और एक नहीं फाइनेट होगी। फाइव बिलोंग टू ऑपरेटर वन, फाइव माइनस एप्सिलॉन से लेकर के फाइव प्लस एप्सिलॉन, और छोटा सा फाइव प्लस एप्सिलॉन और यहाँ कट के फाइव माइनस ओपन इंटरवल में कंटेंट हो, और दिस ओपन इंटरवल की द सबसेट ऑफ आपकी क्या उसके मतलब दिस इज द सबसेट ऑफ फाइव माइनस एप्सिलॉन से फाइव सही है सही। अब ये एक सेट बन गया। अब जैसे रेडियस एप्सिलॉन बाय 2 करो उधर भी एप्सिलॉन बाय 2 करो। दूसरा आप सोचो ये सेट नेबरहुड है 5 का, ये वाला सेट नेबरहुड है 5 का, ये वाला सेट नेबरहुड है 5 का, कितने नेबरहुड हुए दो, ये भी नेबरहुड है किसका 5 का, कितने हो गए 3, कितने नेचुरल नंबर होते हैं इनफाइनाइट, तो इसका मतलब इसके कितने नेबरहुड आए। क्या यही बात हर रियल नंबर के साथ दोहराई जा सकती है जो मर्जी होता हर रियल नंबर के साथ। अच्छा तुमको ऐसा लग रहा होगा, चलो हम इसको थोड़ा सा एक बार क्लियर ये हो गया। दूसरा देखो फाइव बिलोंग टू द फाइव माइनस एप्सिलॉन से लेकर के फाइव प्लस कितना एप्सिलॉन, और छोटा सा एंड दिस बी द सबसेट ऑफ पीछे यहाँ पर कौन है चार, इसके पीछे कौन चार और आगे कौन, क्या ये भी नेबरहुड होगा, यानी क्लोज इंटरवल 4 6 इज द नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट 2 8 1 4 और 6 तो 5 का तो होगा होगा। अच्छा अब ये दोनों किनारे बदल दे रहा हूं और दोनों किनारे इसको 6 से आगे बढ़ा दे रहा हूं, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इंटीजर इंटीजर, और इसको पीछे ले लेगा ये एकदम नेगेटिव होता जाएगा, बड़ा वाला इंटरवल दिया होगा उसके बीच में 5 होगा, क्या सारे 5 के नेबरहुड है कि नहीं, क्या ये बिहेवियर आप हर रियल नंबर के साथ कर सकते हो, तो इसका मतलब रियल नंबर की लाइन पर जितने भी पॉइंट होते हैं सबके पास कम से कम एक नेबरहुड जरूर होता है, और वास्तविकता में कितने होते हैं इनफाइनाइट, क्लियर है हर पॉइंट के पास रियल नंबर का सेट अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होगा, रियल नंबर का सेट अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होगा, क्यों क्यों because x not belong to the open interval minus infinity से लेकर के plus infinity, x not कोई भी real number इसमें तो आएगा आएगा, and this is the subset of open interval minus infinity आया। अब ये कौन है real number का, जिसका मतलब x not belong to open interval contained in R, R is the neighborhood of all objects पर real number का set अपने सारे point के लिए neighborhood का काम रियल नंबर की लाइन पर जितने भी पॉइंट होते हैं सबका कम से कम एक नेबरहुड जरूर होता है, और रियलिटी में इनके कितने नेबरहुड होते हैं इनफाइनाइट। ऑन द रियल लाइन कैपिटल आर फॉर ईच पॉइंट x not belong to the real number set capital R, there exists at least one NBD of x not, real number की लाइन पर चुने गए किसी भी पॉइंट x not का कम से कम एक नेबरहुड जरूर होगा, एक लाइन में प्रूफ, एप्सिलॉन रेडियस छोटे से भी छोटी रेडियस तक का If x not be any real number, तो कोई फिक्स क्वांटिटी का नाम नहीं दिया, जो मर्जी आप वो रियल नंबर चुन सकते हो। If x not any real number, then इन्होंने क्या कहा? At least one चाहिए ना?
हम जानते हैं रियल नंबर का सेट अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होता है, तो एक तो रियल नंबर का सेट आर थ्री हो, अब दूसरा स्लॉटिंग करके और हम बना सकते हैं इफ एक्स नॉट बिलोंग टू द रियल नंबर सेट आर देन कैपिटल आर इटसेल्फ, यानी ये सेट इटसेल्फ फुल होगा, इटसेल्फ एनवीडी ऑफ एक्स नॉट कैपिटल आर इटसेल्फ इज एनवीडी ऑफ एक्स नॉट बिकॉज फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, आप अच्छा मर्जी आपको छोटे से छोटे रेडियस एप्सिलॉन चुनो, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एक्स नॉट बिलोंग टू द ओपन इंटरवल एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन से लेकर के एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन एट दिस बी द सबसेट ऑफ रियल नंबर सेट कैपिटल आर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लाइगर एंड आर बी दैट एनवीडी ऑफ एक्स नॉट। हम सबसे पहले आर को ही लेकर के लिखा, हम बनाए हुए नहीं बनाना चाहते, अगर कोई के नहीं यार आर के अलावा दिखाओ कोई होता है तो आर के अलावा ना ये बनाए हो, बस आप ये करते हो x naught belong to the open interval x naught minus epsilon से x naught plus epsilon and this always be the subset of x naught minus epsilon से लेकर के x naught plus epsilon close to आप ये कर सकते हैं। इसके पास ऐसे किसी भी पॉइंट पे एक तो नहीं इनफाइनाइट नेबरहुड, हां पर्टिकुलर सेट कुछ दिए गए पॉइंट का नेबरहुड है या नहीं कहा जा सकता, ये कहने के लिए पहले टेस्ट करना पड़ता है। कोई पर्टिकुलर सेट आपको दे दिया गया और कहा गया पर्टिकुलर सेट किसी पर्टिकुलर दिए गए पॉइंट का नेबरहुड है या नहीं, तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ता है। लेकिन नॉर्मली कोई पूछे हम तुमसे कहें एक नंबर हमने सिक्स चुना, रियल नंबर की दुनिया में सिक्स के कितने नेबरहुड हो सकते हैं, जवाब नहीं पाए 6.6528 कितने नेबरहुड हो सकते हैं, हो सकते क्या होंगे ही होंगे, बात हमेशा याद रखना प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी रियल नंबर नहीं है, इसलिए उनका नेबरहुड में तलाश करता है ना, कई लोग बड़े महान भाव उनसे एक सबसेट ऐसा जरूर होगा
जो एक्स नॉट के लिए भी नेबरहुड होगा और अपने सारे पॉइंट के लिए नेबरहुड, ये सब हटाओ। इतना कह सकते हैं कि एक सबसेट ऐसा जरूर होगा, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ सबसेट m ऑफ द n सच दैट m x नॉट बिलोंग टू द फैक्टर m एंड दिस m इज एनविडी ऑफ ऑल ऑफ दिस, ये हमेशा होगा। सोच करके बताओ कैसे, अभी सोच करके बता सकते, वापस सुना। थ्योरम ये है कि अगर कोई दिया गया पॉइंट x नॉट है, कोई भी पॉइंट, डजंट मैटर ये कौन सा है, 5 है, 6 है, 8 है, 2 है, कुछ भी, आप जो मर्जी वो रियल पॉइंट आप चुनो, एक रियल नंबर चुनो, उसके लिए अगर आपने एक नेबरहुड n बना दिया तो इसके पास एक सबसेट ऐसा जरूर होगा जिस सबसेट में x नॉट कंटेन होगा और वो सबसेट अपने सारे पॉइंट के लिए नेबरहुड का काम करेगा, किसी को छोड़ेगा सब कुछ। बताओ बताओ सोच कर, तुम्हारे दिमाग से जवाब आना चाहिए। एक सेट आपने एन लिया, एक सेट आपने एन लिया और वो एन किसी भी रियल नंबर एक्स नॉट के लिए, किसी आपके चुने गए रियल नंबर एक्स नॉट के लिए नेबरहुड का काम करता है, ये कहा गया। दावा ये है कि इस दिए गए सेट एन के पास जो नेबरहुड बना है एक्स नॉट का, इसके पास एक ऐसा सबसेट जरूर होगा, प्रॉपर सबसेट जो अपने सारे पॉइंट के लिए एनवीडी होगा, सारे के लिए, किसी को छोड़ेगा नहीं और एक्स नॉट उसमें बिलोंग करेगा, तो एक्स नॉट का भी नेबरहुड होगा अपने सारे पॉइंट के लिए, एन के सारे पॉइंट के लिए, अपने सारे पॉइंट के लिए। देयर एग्जिस्ट अ एम व्हिच इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एन सच दैट एम इज एनवीडी ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट। एक्स नॉट का होगा नहीं, एक्स नॉट भी तो उसमें होना चाहिए, बस यही थीम पकड़ो। कौन सा सेट होता है जो अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होता है, ओपन इंटरवल, आप गौर करो, ये तो ऑलरेडी बना बैठा x नॉट के लिए, गौर करना, x नॉट बिलोंग टू द ओपन इंटरवल x नॉट माइनस एप्सिलॉन से x नॉट प्लस एप्सिलॉन एंड दिस बी द सबसेट ऑफ n, दिस बी द सबसेट ऑफ n, सबसेट वाली कुल सबसेट, क्या पता n यही हो, क्या पता n यही हो, तो उस दौरान आपको प्रॉपर सबसेट बनाना है। हम क्या करेंगे, x नॉट बिलोंग टू द ओपन इंटरवल x नॉट माइनस एप्सिलॉन बाय 2 से x नॉट प्लस एप्सिलॉन बाय 2 लेंगे, शादी करते हैं एंड दिस बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ x नॉट माइनस एप्सिलॉन से लेकर के x नॉट प्लस एप्सिलॉन एंड दिस बी द सबसेट आर इक्वल सबसेट ऑफ n। अब ये जो निकल कर गया ना, इसी को कहते हैं दिस इज कैपिटल, यानी आपको एक प्रॉपर सबसेट ऐसा जरूर मिलेगा जो अपने अंदर मौजूद हर पॉइंट के लिए इसका काम करेगा, ये पता होगा और वो आपको मिल चुका है। क्लियर की बात है, आई बात समझ में, चले लिखा जाए। ऑन द रियल लाइन कैपिटल आर, on the real line capital R, for each point x naught, for each point x naught belong to the real number set R at each NVD, at each NVD capital N of x naught, there exists, जहाँ मौजूद होगा एन वी डी कैपिटल एन ऑफ एक्स नॉट सच दैट एन इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एन एंड कैपिटल एम इज एन वी डी इज एन वी डी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। उसका एक प्रॉपर सबसेट जरूर होगा जो अपने सारे पॉइंट पर है, कोई भी नेबरहुड, एक जरूर
मतलब अगर एक्स नॉट के लिए कैपिटल एन नेबरहुड का काम कर रहा है, एक्स नॉट के लिए एन नेबरहुड का काम, अब अगर आप एकदम सेट के अंदर में सेट बना, ये स्टेटमेंट ना सेट के अंदर में दुनिया बसा दी, बाहर तो जो उसने कहा कहा कहा, अंदर में भी एक दुनिया बसी पड़ी हुई है कि आपने कहा कि एक्स नॉट के लिए एन नेबरहुड का काम करता है, तो एक्स नॉट बिलोंग टू द ओपन इंटरवल एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन से एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन, दैट मींस बी द सबसेट ऑफ यानी सबसेट ऑफ कौन सबसे क्या है, क्या पता यही हो जाए, क्या पता ये, तो अब गौर करना, अगर हम कह रहे हैं मान लो ये बराबर हो तो यही एन है, उस द्वारा आपको एक प्रॉपर सबसेट ऐसा मिलेगा कि एक्स नॉट बिलोंग टू द कौन होगा वो प्रॉपर सबसेट x not minus epsilon by 2 से x not plus epsilon by 2 and this is the subset of x not minus epsilon से x not plus epsilon, ये आपका ये और ये आपका proper subset कौन है, clear हुआ, जब आप n1 कह देते हैं और m1 सामने वाला कहा ना, अब इसी चरण को इसमें लगाते हैं आप बचाएगा, अब n1 का base कौन ले जाता m1, इसका मतलब x not be the x not belong to the ओपन इंटरवल x नॉट माइनस एप्सिलॉन बाय 3 से x नॉट प्लस एप्सिलॉन बाय 3 एंड दिस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ x नॉट माइनस एप्सिलॉन बाय 2 से लेकर के x नॉट प्लस एप्सिलॉन बाय, अब ये कौन m1, ये कौन सर्वप्रथम से आप सामने आ जाना, कौन सा इसका दिखा लिया, इसका दिखाओ, इसका प्रॉपर सबसेट बनाओ कि कहो ये एनबीडी है अपने सारे पॉइंट, ये एनबीडी अपने सारे पॉइंट, अब आप दिखाओ कि इसका एक सबसेट होगा जो अपने सारे पॉइंट का एनबीडी होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है, x नॉट बिलोंग टू द x नॉट माइनस एप्सिलॉन बाय 4 से x नॉट प्लस एप्सिलॉन बाय 4 एंड दिस इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ x नॉट माइनस एप्सिलॉन बाय 3 से x नॉट प्लस एप्सिलॉन बाय 3, क्या ये प्रोसेस खत्म होने वाला है, आपकी जो मर्जी आप उस सेकंड को दे, ये बात कभी खत्म नहीं होगी, ये बात हमेशा से, ठीक है, तो सोचो ये पूरा ना अंदर में एक इनफाइनाइट सीरीज का बना कि आप अगर एक के साथ ये बिहेव कर रहे हो ना तो जिस एम को आप तैयार कर रहे हो उस एम के साथ भी आप यही थ्योरम अप्लाई कर सकते हो और उस एम के साथ ये थ्योरम अप्लाई करने पर जो नया वाला एम बनेगा उसके साथ भी ये थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, तो ये थ्योरम एक दो लोगों के साथ नहीं डील कर, कितने के साथ डील कर रही है, इनफाइनाइट के साथ, क्लियर मेरी बात है, बोले बड़ा बहुत सही चल ना, एकदम फ्लैट में चल रही है, ये ऐसे जितने मन के आप उतने नेबरहुड तैयार कर सकते हो और ये गेटवुड को बता रहा है कि किसी दिए गए पॉइंट का एक नेबरहुड नहीं होता, इनफाइनाइट होता है, कनेक्टेड ऊपर वाली थ्योरम से किसी दिए गए पॉइंट के पास कितने नेबरहुड होते हैं, इनफाइनाइट, डजंट मैटर पॉइंट कौन है वो तो कोई पर्टिकुलर बात नहीं, चूंकि इन्होंने खुद कहा है कि ये दिया गया सेट कैपिटल है एक्स नॉट के लिए किसका काम करता है, नेबरहुड का काम करता है, दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 को लेकर के जो इंटरवल बना रहे हैं एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन से एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन, उसको एन का प्रॉपर सबसेट कर सकते हैं कि नहीं, वो किस पर डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन पर, जिस एप्सिलॉन रेडियस को लेने पर वो एन के बराबर आ रहा है वो एप्सिलॉन चुनो ही, एप्सिलॉन उससे भी छोटा चुनो, तो टेक अ प्रॉपर एप्सिलॉन, आप प्रॉपर एप्सिलॉन चुनो जिस एप्सिलॉन को लेने पर ये किसका इसका प्रॉपर सबसेट होगा, जैसे अगर किसी ने कुछ को कहा कि हमने आपको एन दिया, एन इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस 1.2 से एक्स नॉट प्लस 1/2, ये उसने दिया तो हम कभी भी एप्सिलॉन को 1/2 नहीं लेंगे, कभी और 1/2 से बड़ा नहीं लेंगे, हमेशा एप्सिलॉन को 1/2 से क्या छोटा, अगर एप्सिलॉन 1/2 से छोटा है तो इसका मतलब एक्स नॉट माइनस 1/3 से एक्स नॉट प्लस 1/3 ये प्रॉपर सबसेट होता है इसका, जिनको ये नहीं विजुलाइज होता ना और ये ही काम किया था, सेंटर बना लिया तो एक्स नॉट, इसको ऐसे सीखना पड़ेगा, सेंटर बना लो कितना एक्स नॉट और एप्सिलॉन सॉरी 1/2 रेडियस आगे जाओ तो एक्स नॉट पर 1/2 आगे छोड़ दो तो ये कौन होगा एक्स नॉट प्लस 1/2,
ये रेडियस कितनी है, तो जितनी रेडियस आगे लंबा तो पीछे, तो आप पीछे आ रहे यानी घट रहे हो, तो x नॉट माइनस वन अपॉन k। और जब आपको रेडियस 1 बाई 2 दी गई तो एप्सिलॉन 1 बाई 2 मतलब एप्सिलॉन से कम ले लो 1 बाई 3 हो गया। अब जब 1 बाई 3 हो गए तो एक्स नॉट से केवल कितना आगे गए, अब भाई थर्ड आ गया, तो ये हुआ एक्स नॉट माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 3 से एक्स नॉट माइनस 1 अपॉन 3। अब अगर हम ये प्रॉपर सबसेट है पुराने वाले, तो केवल और केवल आपको प्रॉपर एप्सिलॉन चुनना है, उसके बाद ये पुराने वाले सेट का, सॉरी जो पुराने वाला सेट आपको कैपिटल एन दिया गया था, ये उसका क्या होगा प्रॉपर सबसेट। क्लियर है ये बात? देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 यही ओपन इंटरवल ही मेरा कैपिटल एन है। Then capital M is the subset of N, and एक बात इसने पूरी कर दी कि ये M N का क्या हो गया proper subset, दूसरी बात and it is NBD of all of its points, all of its points। अब ये अपने सारे पॉइंट के लिए किसका काम करता है, नेबरहुड का काम। Always possible NBD of A and B such that both are totally destroyed।
आप ए के लिए एक नेबरहुड बनाओ, बी के लिए एक नेबरहुड, दोनों में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ पॉसिबल। ये बताओ दो रियल नंबर के बीच में कितना एरिया होगा? अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस एप्सिलॉन है तो आप रेडियस चुन रहे एप्सिलॉन बाय 2। अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है एप्सिलॉन, जैसे हम कह रहे हैं ये रियल नंबर की लाइन है, ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी, दो रियल नंबर है ठीक, और ये जो डिस्टेंस नजर आ रही है ये डिस्टेंस कितनी है एप्सिलॉन, और इसी को आधे पर से काट दो, ये कितनी डिस्टेंस हुई और ये भी कितनी हुई एप्सिलॉन, दोनों हो गया। अब ए से लेकर के एप्सिलॉन बाय 2 ये वाला कौन होगा? ए प्लस एप्सिलॉन बाय 2। अब पीछे आ जाओ तो ये कौन होगा? ए माइनस एप्सिलॉन बाय 2। और इनके लिए ये कौन होगा? बी माइनस एप्सिलॉन बाय 2। और आगे बढ़ जाओ तो बी प्लस एप्सिलॉन बाय 2 बन गया ही नहीं। और गौर करो आप जो बनाए हो तो ए का एनवीडी बनाया, ए के लिए नेबरहुड बना ए माइनस एप्सिलॉन बाय 2 से ए प्लस एप्सिलॉन बाय 2, और b के लिए बना b माइनस एप्सिलॉन बाय 2 से लेकर के b प्लस एप्सिलॉन बाय 2। शर्म तो नहीं ठीक, मैं चीज गौर करो जो इसका सुप्रीमा है वो उसका इंप्रीमा है। पहले वाले पॉइंट ए एनवीडी में जो सुप्रीमा है वो दूसरे में कौन है? इंप्रीमा है। तो इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर है, लेकिन ये भी इस सेट में नहीं है और ये भी इस सेट में नहीं है, तो इसका मतलब क्या दोनों में कुछ भी कॉमन आया? अगर हम इसकी बात करें तो इसका नेबरहुड बस यहाँ तक ठीक बस, और इसका एलबीडी कहाँ तक? यहाँ तक। ये जो बीच में एक तो पॉइंट बैठा ना ए प्लस एप्सिलॉन बाय 2, ये दोनों के पास नहीं था ना, पहले के पास ना दूसरे के, और यही कॉमन पॉइंट हो रहा था दोनों के बीच में। तो इसका मतलब आपको कोई भी दो रियल नंबर दिया गया है उनके बीच की डिस्टेंस को एप्सिलॉन मानो और उसी को आधा करके इनको इनको मानो, एप्सिलॉन बाय 2 रेडियस आपकी, एप्सिलॉन बाय 2 रेडियस आपकी, और आप हमेशा ऐसा बंटवारा कर सकते हैं कि टोटली कैसा है इस ड्राइंग में, हमेशा कर सकते हैं। अब पता है ये सबसे उम्दा बंटवारा है जो आपके आगे दिखता है, अगर आपको ये लगे नहीं कंफ्यूजन हो रही है ना तो जितनी डिस्टेंस है उसको एप्सिलॉन मान लो, जितनी डिस्टेंस उसको एप्सिलॉन मान लो, और उसका चौथाई हिस्सा इनको तो चौथाई हिस्सा एप्सिलॉन बाय 4 एप्सिलॉन बाय 2 एकदम दूर दूर बीच में आपने बहुत कुछ छोड़ दिया। अब ये कह रहे हैं ये आपका ए है और ये आपका कौन बी, इसके बीच में जितने डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आप कितनी मान लो एप्सिलॉन, इसके चार टुकड़े कर दो, चार टुकड़े एक दो तीन चार पाँच कर दो, पाँच टुकड़े में बांट दिया पूरी डिस्टेंस को, पाँच टुकड़े में बांट दिया, ये इतना हिस्सा क्या होगा एप्सिलॉन बाय 5, इनके लिए एप्सिलॉन बाय 5 खींच लो, और ये भी कौन होगा एप्सिलॉन बाय 5, इनके लिए भी एप्सिलॉन बाय 5, कितना छोड़ दिया बीच में, क्या ये टोटली डिस्जॉइंट है कि नहीं? हमेशा पॉसिबल, किसी भी दो रियल नंबर के लिए हमेशा आप ऐसा नेबरहुड डिजाइन कर सकते हो कि दोनों के लिए बनाया गया नेबरहुड टोटली कैसा रहे डिस्जॉइंट, दैट्स कॉल्ड द हाउसडॉर्फ प्रॉपर्टी। लिखा जाए इस बात को, सेंटर अगर आपने सेम रखा तो आपका एक नेबरहुड दूसरे में कंटेन हो जाए निश्चित तौर पर, और जैसे दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर ए और बी कर दिया यानी आपने सेंटर डिफरेंट कर दिया, सेंटर के डिफरेंट करने से दोनों के लिए बनाया गया नेबरहुड अलग अलग हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप एक को दूसरे में कंटेन हो, ये भी पॉसिबल। रियल नंबर की लाइन पर ये दो है और ये कौन, तीन का एक नेबरहुड ऐसा जरूर होगा जो दो के बनाए हुए नेबरहुड को अपने अंदर में कंटेन करेगा, जैसे दो से हम आगे बढ़े 2.5 और पीछे की तरफ आए 1.5, ये दो का नेबरहुड है। तीन के लिए आप एक काम करो, तीन के लिए चार पीछे अगर चार आगे चले तो तीन से चार आगे कितना 7 और चार पीछे चले जाओ कितना हो, तीन आते ही 0 और एक आए -1, आपको आप 7 से -1 से लेकर के 7 तक ये तीन को कंटेन किया ओपन इंटरवल, ये तीन का नेबरहुड है और इसने अपने अंदर में दो के नेबरहुड को कंटेन कर लिया, लेकिन ये तो हम बना रहे हैं, हम चाहें तो टोटली डिस्जॉइंट भी बना सकते हैं, तो अगर आपके सेंटर डिफरेंट रहे ना तो आप ऐसा नेबरहुड बना सकते हो कि एक ने दूसरे को कंटेन भी कर लिया, आप ऐसा बना सकते हो कि टोटली क्या है डिस्जॉइंट, लेकिन अगर आपका सेंटर सेम हो गया तो कभी भी
टोटली डिस्ट्रॉइड का नेबरहुड नहीं बनाया जा सकता, कभी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अब आपने यही मेन बैठा एक्स्ट्रा, और जितने भी नेबरहुड बनेंगे वो इसको कंटेन करेंगे, तो कोई और प्रॉब्लम होना हो, आप करें कोई और प्रॉब्लम होना हो एक्स्ट्रा होगा। रियलिटी में सिर्फ एक्स्ट्रा नहीं आया, लेकिन ये तब ना जब आप कुछ डिफरेंट नेबरहुड देख रहे, कुछ डिफरेंट, अगर आप इनफाइनाइट नेबरहुड की पूरी एक लिस्ट तैयार कर दो, इनफाइनाइट नेबरहुड की लिस्ट तैयार कर दो ना, तब पर आपको एक पॉइंट कुछ नहीं तो जीरो तो मिलेगा, एक्स्ट्रा तो मिलेगा। याद करो एग्जाम्पल, याद करो माइनस वन अपॉन एन से लेकर के प्लस वन अपॉन एन कल ही करवाए, कितने नेबरहुड तैयार कर सकते हो जीरो के, कितने तैयार कर सकते हैं इनफाइनाइट मतलब नॉट नेबरहुड तैयार हो जाएंगे किसके जीरो के, लेकिन वो सब का जब इंटरसेक्शन निकालोगे तो उसमें कॉमन आएगा, तो केवल और केवल कॉमन आएगा जीरो, डिस्जॉइंट तो अपर भी नहीं हुआ, डिस्जॉइंट का मतलब इनवर्टिंग, तो इसका मतलब अगर आपने इनफाइनाइट तैयार किया तो कुछ और कॉमन आए ना आए सेंटर तो कॉमन आएगा निश्चित तौर, लेकिन अगर आपने सेंटर ही बदल दिया है तो आप हमेशा ऐसा नेबरहुड तैयार कर सकते हो कि एक दूसरे को कंटेन कर ले, हमेशा ऐसा तैयार कर सकते हो कि दो दोनों टोटल कैसे हो जाए इस वक्त, क्लियर नहीं बात है। रियल लाइफ में इसको कहते हैं मन मिल गया, मन अगर मिल गया फोड़ नहीं हो सकती है, कुछ भी रह जाए कितना भी संबंध खराब हो जाए, लेकिन एक जगह पर लोग सहमत हो जाए कितना भी, कहते हैं ना बाप ने बेटे को बेदखल कर दिया, बाप ने बेटे को बेदखल कर दिया ना, कोई अधिकार तुमको नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके मरने पर आंसू बहाने के लिए बात चला, कितना भी संबंध खराब हो जाए, क्यों सेंटर सेम है, ओरिजिन कौन है, ओरिजिन वही बाप, वो सेंटर आपका सेम हो तो वो आएगा निश्चित तौर पर, लेकिन मियाँ बीवी ओरिजिन सेम नहीं है, अब हो गया झगड़ा, अब गत के हो गया, क्यों तू ऊंचा उनको, तू ऊंचा उनको दे दिए, अब इसके बाद ना अगर तलाक की अर्जी पड़ गई तुम मर जाओ हम मर जाए कोई एक दूसरे देखने नहीं आएगा, यानी हमेशा ये पॉसिबिलिटी है, ओरिजिन अगर सेम नहीं है तो हमेशा ये पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसा नेबरहुड तैयार कर सकते हो टोटली डिस्ट्रॉइड होगा, टोटली डिस्ट्रॉइड, लेकिन अगर ओरिजिन सेम है कभी नहीं कर सकते, पता है लाख, अच्छा तुम सोचोगे बेटे तो ऐसे होते हैं ना बाप को ही मार देंगे, या बाप ऐसा तो बेटे को उठा करके फेंक देगा, ऐसा भी हो सकता है, तो ठीक है इसके बावजूद भी जब बर्थ सर्टिफिकेट आपका लिखा जाएगा ना बाप एक नाम चढ़ेगा, भले उसी का मर्डर करके आया चढ़ेगा तो उसी का नाम, कॉमन तो होगा, हो ही नहीं सकता कि कॉमन नाम, लेकिन अगर दो मियां बीवी के बीच में तलाक हो गया ना तो जो करेंट वाइफ होगी या जो करेंट हस्बैंड होगा नाम उसी का चलेगा, पुरानी वाले का नहीं चलेगा, कहीं भी कुछ भी होगा तो नाम इनका नए वाले का चलेगा, पुराने वाले का नहीं चलेगा, इसका मतलब दो डिफरेंट के लिए आप हमेशा डिस्जॉइंट वाला कर सकते हो हमेशा, लेकिन अगर सेम ओरिजिन हो गया ऐसे में, ऐसे में एक कंटेंट होगा किसके अंदर दूसरे, ये पॉसिबिलिटी हमेशा, I need two distinct real numbers. Then there exist entities of, there exist entities of A and B, A and B, which are disjoint. अगर ए और बी दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर हैं तो यहाँ ऐसे एंटिटी जरूर होंगे इन दोनों के कि वो टोटली कैसे होंगे डिस्जॉइंट, नाम लिखने के बाद छोड़ो बेटा कहीं मर्डर करते हो भले दोनों लोगों ने 36 का आकर इनको बेदखल के पुलिस वाले उठा लेंगे बाप, बाकी थोड़े लगाएंगे दो मिनट में उठाएंगे इनको लेके चलो वो खुद आएंगे भले वहाँ, लेकिन कॉमन पॉइंट तो वही उठा लेंगे, प्रूफ इसका देखना, प्रूफ जो हम लोग को बताए वही प्रूफ इसका मेन है ना, जितना आपकी दोनों के बीच में डिस्टेंस है उस टोटल डिस्टेंस को एप्सिलॉन मान लो और उसका आधा कर दो कितना हो जाएगा एप्सिलॉन बाय 2, आधा इनकी रेडियस आधा उनकी रेडियस,
और वहाँ ओपन इंटरवल बैठा दो, वो दो प्लेट इस वाली इतना इस दिवाल को पूछ। जैसे एक चीज़ का बना दें, ये आपका ए है और ये आपका बी है, ठीक। और आधा कर देना इसी पर से, दोनों के बीच के डिस्टेंस को आधा कर दो, तो तुम भाई कोई पीछे के डिस्टेंस भी नहीं होती, तो ये होगी 1/2 r² - दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस क्या होगी, बड़े में से छोटे को घटाया जाता है, यही तो ना, ठीक है। मॉड ऑफ ए माइनस बी भी कौन सा होगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती नहीं, तो चाहे बी में से ये को घटाओ चाहे बी में से ये, बात समझ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रही। ये 0 है, ये 10 है और ये बीच में 5, ये डिस्टेंस कितनी होगी बताना है, तो 10 में से 5 निकालो कितना, 5, 5 में से 10 निकालो कितना आया, -5, इस पे मार बैठा दो, तब तक जो 5 आया। अगर हम कहें पूरी रियल नंबर की लाइन पर, ये आपका है 8.5 और ये आपका है 10, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो 8.5 में से 10 को निकाल दो, 10 में से 8.5 निकाल दो, कितनी डिस्टेंस आई, 1.5, ये डिस्टेंस। तो हम इसी चीज़ को ऐसा कर रहे हैं, ये जो डिस्टेंस कितनी है, टोटल कितनी है, बी माइनस ए या ए माइनस बी का मॉड, ये टोटल और इसका आधा ये हो गया, तो ये वाला भी कितना होगा, 1/2 मॉड ऑफ ए माइनस, और इस टोटल पे एप्सिलॉन मान तो ये हो गया एप्सिलॉन बाय 2, ये हो गया एप्सिलॉन बाय 2। एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ ए माइनस, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका आधा एप्सिलॉन, दिक्कत लगी, अब तक हम टोटल एप्सिलॉन ले हम और बच के करते हैं, हम आधा करते हैं, इतनी ही डिस्टेंस को एप्सिलॉन, और अब सोचो यही एप्सिलॉन इसके लिए और वही एप्सिलॉन इसके लिए, अब सेम बताओ बच्चों तुम्हारी अवधि तुम चाहो तो इस टोटल को डालो एप्सिलॉन, तब जो नेबरहुड बनाना ए माइनस एप्सिलॉन बाई 2 से ए प्लस एप्सिलॉन बाई 2 बनाना, क्योंकि तब ये डिस्टेंस एप्सिलॉन बाई 2 और ये भी कितनी होगी एप्सिलॉन बाई 2, लेकिन अगर तुम एप्सिलॉन बाई 2 के पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते हो तो इसी डिस्टेंस को क्या ले लेंगे एप्सिलॉन, तो जितना ये उतना तो ये भी है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, मतलब हमने बी माइनस ए को एप्सिलॉन ले लिया, बी माइनस ए एप्सिलॉन, तो बी माइनस ए बाई 2 बेटा बी माइनस ए को 2 एप्सिलॉन, ठीक। तो अपना ये इतना हाफ कितना हो जाएगा एप्सिलॉन और ये कितना हो जाएगा एप्सिलॉन, टोटल हो गया, क्लियर हुई ये बात। ये तरीके हैं, जो मर्जी वो चुन सकते हो, हम सब बता रहे हैं चाहे जैसे, देखना देन देन ओपन इंटरवल ए माइनस हाफ मॉड ऑफ ए माइनस बी से ए प्लस हाफ मॉड ऑफ ए माइनस देन ओपन इंटरवल दिस दैट इज अर्थात ए माइनस एप्सिलॉन से लेकर के ए प्लस एप्सिलॉन, कोई इसको एक और नाम बता सकता है, चाहे एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ बी, ठीक।
आर टोटली डिस्ट्रॉय, आर टोटली डिस्ट्रॉय। ये दो के दोनों नेबरहुड ए और बी के, ये दोनों टोटली कैसे हुए डिस्ट्रॉय। अब आपकी मर्जी, तुम्हारा मत कहे, तुम्हें सलाम को सीधे बाई थ्री कर सकते, तुम्हारा तो तुम्हारा। एन फॉर नेबरहुड, एन क्या है, एन नेबरहुड का सिंबल। एक्चुअली ये जो लिखा गया है ये एप्सिलॉन नेबरहुड, इसको कहते हैं जब आप रेडियस एप्सिलॉन से बनाते हो ये अपने एप्सिलॉन नेबरहुड। तो अब इसको जो नाम दिया गया तो जितनी रेडियस थी उसको नीचे चिपका दिया गया, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए। तो ये जो पेन है ना ये प्रोनाउंशिएट होगा इसके लिए, यही नेबरहुड है। लेकिन कौन सा नेबरहुड है, जब आपने रेडियस कितनी रखी है एप्सिलॉन, तो इसको एन कहा जाएगा, यानी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए। तो एन नेबरहुड के द्वारा होना चाहिए, अभी क्लियर है, यही है। इस एन को दो वाला सेट में समझना, ये एन जो है ना ये एन नेबरहुड के प्रोनाउंसिएशन के लिए बोला है, ये वाला सेट, दिस इज एप्सिलॉन नेबरहुड। सिंबॉलिक फॉर्म में इसको ऐसे लिखा पढ़ा जाएगा, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए। और क्या जानना है, ओपन इंटरवल ए माइनस एप्सिलॉन से इक्वल एप्सिलॉन पर फॉर्म लिखते हैं। यही याद है, इसे प्रॉपर सबसे प्रसिद्ध होता है।
देवजी नाम थे देवजी देवजी यार जगह जगह के हिसाब से जगह जगह होगा देवजी लिखा था देवजी तो क्या बोल रहे हो गुरुजी शुद्ध हिंदी में उसको देवड़ी कहा जाता है देवड़ी गांव में ना चौथा बोलते हैं चौथा बोलते हैं देवड़ी और चौथे में फर्क है ना जैसा हम लोगों की तरफ है हम लोग अपनी तरफ है जाते हैं देवड़ी जिसको कहते हैं ना जो आपका दरवाजा होता है उसका फ्रंट होता है बस एकदम फ्रंट बस थोड़ा सा ऊंचा जो चौकटा होता है ना वो दलान में खुलता है जो दलान का दरवाजा होता है उसका जो चौकटा होता है उसको इसलिए भी चौकटा कहा जाता है वो जमीन से इतना ऊंचे बैठता है इतना ऊंचे या नॉर्मली नहीं पार कर सकते छोटा बच्चा तो पहले दोनों हाथ रख के एक एक करके रख के चढ़ेगा बैठेगा तो उधर उतर के तब पार करेगा नॉर्मल आदमी आएगा ना तो वो उसको धीरे से पैर उठा करके पार करेगा ठीक इतना इससे थोड़ा सा नीचे ना जितनी बेंच है इससे थोड़ा सा नीचे कर उसको चौकटा बोलते हैं उसमें क्या रखता है नीचे से मिट्टी का लंबा रखते हुए उसको ऊंचा बनाते हैं और उसके बाद उसमें लकड़ी का एक मोटा सा गुटका पीढ़ा टाइप का रख दिया जाता है और फिर दरवाजा लगाया जाता है उधर संसी दी जाती है इधर से भी संसी उधर से भी संसी दी जाती है इधर संसी होती है जाने लोगों को बंद करने की अंदर में संसी के साथ साथ मटकों कुंडा होता है जिसको सरकार कहते हैं तो ये ना इसको चौकटा बोलते हैं ये चौड़ा होता है इसको बैठ करके पार करना पड़ता है और दलान बना होता है घर के बाहर से पहला भीतर होता है उसको दलान बोलते हैं पहला भीतर जिसमें इस तरफ रजाई रजाई टांग दी जाती है इस तरह आलू वालू रख दी जाती है ना और ट्यूबवेल की जो और मशीन जो ट्यूबवेल वाली मशीन होती है इसकी पाइप वाइप रख दी जाती है बल्लम मल्लम रहता है तो वही पटा दिया तो दलान में ये सारा सामान रहता है और जो घर के सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो रात को दलान में सोते हैं वो दलान में सोते हैं बड़े बुजुर्ग में महिलाएं दलान में सोती हैं और जो वैसे कम पुराने बात होता है अभी करनी है अभी तो सबके पक्के हो गए और पहले जो घर के सामने द्वार जिसको कहते हैं जो द्वार खाली होता था उसमें खटिया लगती थी जेंट्स जो होते थे वहाँ पे द्वार ऐसे ही खराब करते हैं हम लोग जिए हैं ये जिंदगी थोड़ी थोड़ी इसके जान में झगड़ा होती थी जो पिताजी की मम्मी होती थी दादी उनको गांव में अलग अलग नाम से प्रोनाउंसिएट किया जाता था बूढ़ी माई कहा जाता था ना बच्चे उनको बूढ़ी माई भी कहते थे ना माई तभी के लेटे हम लेटा था हम लेटा कहते जाते तो वहाँ इसलिए लेटने के लिए जगह होता था कहानी सुनने के लिए वहाँ कहानी सुनने के लिए तो लोग वहीं दूर के पड़े रहते थे छोटे बच्चे जितने होते थे वहीं उनकी खाट के इर्द गिर्द चार खाट और छाती जाती थी सब बादल सेना वहीं पर विराजमान होती थी बाजार में उनकी कहानियाँ चलती थी बादल सेना उनकी पढ़ते पढ़ते सो जाती थी सुबह उठते इसका हाल देखते हैं। ये भी बहुत सुपर सी चीज है ये कह रहे हैं दोनों समझा रहे हैं रियल नंबर की लाइन पर भी जनरलाइजेशन ये रियल नंबर की लाइन माइनस इंफिनिटी से लेकर के कहां तक ये कह रहे हैं इफ सबसे पहले ड्रॉ करो किसी पॉइंट एक्स नॉट के लिए एप्सिलॉन लेकर मानिए ये ड्रॉ मान लीजिए आपने एक पॉइंट चुन लिया एक्स नॉट अब x0 के लिए epsilon नेबरहुड ड्रा करते हैं तो यहाँ रेडियस आ गई x0 प्लस epsilon तक यहाँ आ गए और रेडियस माइनस epsilon भी चलिए तो x0 माइनस epsilon दिस इज द epsilon नेबरहुड ये इतने की बात करो दिस इज epsilon नेबरहुड ऑफ x0 ठीक अब इस epsilon नेबरहुड में जो मर्जी एक आर्बिट्री पॉइंट चुन लो तुम्हारे ऊपर कहाँ चुनना चाहते हो अगर हम इधर नजदीक से नजदीक चुनना चाहें उधर नजदीक से नजदीक तब पर भी चोट खुली चुन चलो हम यहाँ पर चुन वीडियो में नहीं नजर आएगी यदि फिर भी या हमने पॉइंट दिख रहा है जिससे यहाँ 6x6 होगी वो देखिए जो बता ये हो गया इस वाले ठीक अब ये याद कह रहे हैं कि स्मॉल ए के लिए भी एक नेबरहुड आप ऐसा बना सकते हो जो पूरी तरह कंटेन हो जाएगा इस एप्सिलॉन में बाहर नहीं जाएगा हाँ बिल्कुल हम कर सकते हो कैसे करेंगे वो सीमा ये जितने डिस्टेंस आ रही है जितने डिस्टेंस आ रही है इसका आधा चुन जैसे मान लो ये डिस्टेंस ए से लेकर के एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन तक की जो आपकी दूरी थी ये आपकी एप्सिलॉन डैश आ रही ठीक तो आप एक काम करो एप्सिलॉन बाई फोर चुनो चौथाई जैसे आपने चौथाई दूरी चुना क्यों चुन पा रहे हो बिकॉज आई नीड टू डिस्टिंग रियल नंबर देयर ऑलवेज एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी रियल
हम लोग पढ़ चुके हैं, याद करो कौन सी प्रॉपर्टी थी, एड काइंड कैंटर एक्सियम्स पहले पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन द रिंग ऑन द स्ट्रेट लाइन, ये पढ़ा था, उसके अंदर में एड काइंड कैंटर एक्सियम्स आया था, वहीं पर याद आया उंगली आते हैं ऐसे बिजली बिजली आती है डेड काइंड कैंटर एक्सियम्स पढ़े थे, उसी में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी दो रियल के बीच में एक इरेशनल होता है, इसका मतलब इनफाइनाइट इरेशनल होता है, किसी भी दो रियल के बीच में एक इरेशनल होता है, इसका मतलब कितने इरेशनल इनफाइनाइट, इसका मतलब किसी भी दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर के बीच में कुल कितने रियल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट। तो आपका ए एक डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर के बीच में कितने लोग आए, इनफाइनाइट इनफाइनाइट आए, तो जितनी ये डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस एप्सिलॉन डैश है तो इसका भी चौथा हिस्सा कब है, एप्सिलॉन डैश बाय 4, और ये एक छोटा सा हिस्सा तैयार हुआ जो पूरी तरह से इसी एप्सिलॉन नेटवर्क के अंदर में कंटेंट है कि नहीं, ये रियल नंबर की लाइन अब तुम पर नंबर से लिखा, इसी बात को नंबर पर लिखा, जैसे मान लो हमने चुन लिया 5 और 5 का एप्सिलॉन नेबर बुलाओ, एप्सिलॉन की कोई वैल्यू दो, क्या दोगे एप्सिलॉन बताओ, 1/2, 1/3, 1/4 क्या दो, 1/2, तो इसका मतलब यहाँ आ गए हम लोग 5.5 और पीछे आ गए हम लोग 4.5, ठीक ये बन गया। अब कोई एक नंबर बताओ, चुनो अपनी मर्जी से, चाहे इधर नजदीक चाहे उधर नजदीक, दोनों का डिफरेंस हमको बताओ कितना होगा, दोनों का डिफरेंस 0.40 और 2, पक्का ये डिफरेंस, मतलब जो पॉइंट आपने चुना 4.5 के बाद आपने जो भी पॉइंट चुना, मान लो यहाँ पर आया दिखने के लिए यहाँ पर आया, तो 4.5 से इस पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, ये दोनों डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर के बीच में कितने रियल नंबर होते हैं, इन पॉइंट आप एक काम करो ना, इस पूरी दूरी को 10 हिस्से में बांट, पूरी दूरी को 10 हिस्से में बांट, सबसे सेफ गेम खेल, जब पूरी दूरी 10 हिस्से में बांट दिए तो सोचो अब इससे कहीं छोटी आपको रेडियस मिल गई, इससे कहीं छोटा उसी रेडियस का हमने क्या ड्रॉ कर दिया, सर्कल ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब अब ये जो निकल कर क्या है, ये आप इस एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर में ही कंप्लीट हो गया, बाहर नहीं आ रहा, ये बात समझ में आ रही है, अगली पढ़ाई कुछ और नहीं कर रहे, दो लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के बीच में से रेंडमली एक पॉइंट उठा ले, रेंडमली एक पॉइंट उठा ले, ठीक, और जैसे उस पॉइंट को उठाया, तो कहने का केवल एक मतलब है, अगर इस पॉइंट का कोई भी नेबरहुड बनाए तो एक नेबरहुड उसमें ऐसा जरूर मिलेगा जो पुराने वाले एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर में कंटेन होगा, वो उससे बाहर नहीं जा पाता, आई बात समझ, कई इतना सारा चर्चा होगा कि कुछ भी हो आप इतना भी बड़े से बड़ा रिश्ता तैयार कर लो ना, छोटे से छोटा रिश्ता तैयार कर लो, एक रिलेशनशिप ऐसी जरूर होगी जो उससे भी छोटी, एक ऐसी जरूर होगी ना, आप उस रिलेशनशिप से ऊपर नहीं जाता, निश्चित तौर पर ऐसा रहेगा, ये रियल नंबर की लाइन, अगर इसी बात को मुझको किसी प्लेन में दिखाना होता तो प्लेन में वैसे दिखा, ये गौरव ये पॉइंट एक्स नॉट वन रियल नंबर की लाइन पर सकते आपके सामने चल सकते हैं आगे पीछे, तो रियल नंबर की लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, वन डायमेंशनल फिगर है, सर्किल बराबर सी प्लेन, एक्स नॉट का हमने एक एप्सिलॉन नेबरहुड बनाया, दिस इज एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट, तो इसका मतलब ये पॉइंट आपका कौन होगा, एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन, और ये कौन होगा, एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन, अब इस पूरी सर्किल में जितने पॉइंट है, जितने पॉइंट वो इस एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर, मतलब इस सर्किल को हम कहते हैं दिस इज द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ द एक्स नॉट, जो मर्जी एक पॉइंट चुनो अपने हिसाब से, जो मर्जी एक पॉइंट चुनो, जैसे नाम का नहीं है ना, ठीक, बहुत किनारे लाकर के चुना, जितनी तुमको ये डिस्टेंस नजर आ रही है ना, जितनी ये डिस्टेंस नजर आ रही है इसका आधा करो और वही आप एप्सिलॉन रेडियस, इसका आधा करो, ये बताओ भैया इसका आधा यही तक तो आया, और अब यही वाली ये रेडियस मान करके एक सर्किल,
बोलो ये सर्किल क्या आपके पुराने वाले सर्किल में कंटिन्यू हो गई कि नहीं? इट मींस देयर एग्जिस्ट अ एलवीडी ऑफ इस पॉइंट पर करें ए, देयर एग्जिस्ट अ एलवीडी कैपिटल एम ऑफ ए सबसेट एम इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ द हमेशा कोई नहीं सकता कि कभी ये थ्योरम फेल हो सकता है और फेल ना होने का एक ही रीजन है दो नियम नंबर के बीच में कितने पॉइंट होते हैं इनफाइनाइट तो आप जितनी छोटी डिस्टेंस चाहो उतनी छोटी डिस्टेंस आता है क्लियर नहीं बात फिर समझ में आ गया कुछ बात बाउंड्री पर हुआ बाउंड्री पर हुआ ना गौर करना अगर ये बाउंड्री पर हुआ ठीक तो इसके लिए नेबरहुड क्या आप पॉइंट कहाँ ले रहे हो इस स्मॉल ए बिलोंग का एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एप्सिलॉन एप्सिलॉन नेबरहुड इज एन ओपन इंटरवल अपनी बाउंड्री नहीं रखता ओपन इंटरवल अगर अपनी बाउंड्री रखते ना तो अपने बाउंड्री के पॉइंट का नेबरहुड नहीं बनेगा और ओपन इंटरवल अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड बनता है ये तो देखो ना एप्सिलॉन नेबरहुड है इसीलिए ये थ्योरम किसी नॉर्मल सेट या किसी नॉर्मल नेबरहुड पर नहीं दी गई ये एप्सिलॉन नेबरहुड पर दी गई क्योंकि सबको पता है ये एप्सिलॉन नेबरहुड कुछ और नहीं एक ओपन इंटरवल होता है जिसकी रेडियस कितनी होती है एप्सिलॉन अब आई बात सुनिए तो बाउंड्री का तो बवाल ही नहीं है यहाँ बाउंड्री नाम की कोई ओपन 100% की कोई बाउंड्री नहीं ओपन 100% की कोई बाउंड्री नहीं अगर हम ओपन 100 हैं ठीक तो तुम एक दिन मेरी क्लास नहीं पढ़ोगे तुमसे गुस्सा नहीं लेकिन अगर हम ओपन हार्टेड नहीं है तो निश्चित तौर पर मेरी क्लास एक दिन नहीं पढ़ोगे तो बुरा लगेगा दो दिन नहीं पढ़ोगे थोड़ा आज बुरा लगेगा तीन दिन नहीं पढ़ोगे सुप्रीमा हो जाएगा ये दिक्कतें आई तो ओपन के साथ ये दिक्कत नहीं आता ओपन इंटरवल के तरह मेरे जितने भी लोग हैं हम उन सब के लिए नेबरहुड का काम करेंगे मतलब ओपन इंटरवल एक ऐसा पर्सन है जो अपने सारे चिल्ड्रन अपने पास रखा होगा एक भी छोड़ेगा नहीं नेचुरल नंबर के सारे चिल्ड्रन उसके पास नहीं नेचुरल नंबर ना बस केवल उनको जगह दिया अगर आप कल को एडहेरेंट पॉइंट पढ़ेंगे एडहेरेंट पॉइंट को दूसरी भाषा में कॉन्टैक्ट पॉइंट कर रहे बस आपके टच में है तो मेरे टच में हो हम के आपस परेशान ना हो कोई बात होगी ना हम तुम्हारे टच में है कोई बात होगी हम तुम्हारे टच में मार करना होगा मानना पड़ के मानना हम है और जैसे आनस किसी कोई थप्पड़ मारे आपको धीरे इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट ये खतरनाक कॉन्टैक्ट पॉइंट है ना और अगर हम तुम्हारे नेबरहुड में मतलब हमने तुमको डीपली रख लिया ना कहते ना दिल से दिल झुक गया पेट बीच में आया ही नहीं पेट कब आएगा जब दोनों के बीच में पैसे का विवाद आएगा ना अगर हम तुमसे पैसा देखने लगे तो आपके साथ मेरे तुम्हारे बीच में दिल मिला ही नहीं पैसा आ गया बीच में बवाल हो गया दिल से दिल मिल गया अब गए दो यार दोस्त कहीं पर गए वो उनका मारता मारता भिखारी पट्टे दे दाग दिए वो मार भी रात रहे थे ठीक उनके अंदर दम नहीं था अपने आप को बचाने का तुम इतने तगड़े यार को उतने निकाले उनको दाग दिए वो जेल नहीं जाए तुम जरूर जेल जाओ परिवार बने हुआ हो जाएगा दो मिनट लेकिन अब यारी दोस्ती निभानी है हाँ तो सत्य कहता हूँ हे सके सुमार मत जानो मुझे तुम तो हो नहीं मानने को प्रस्तुत हो सदा मुझे दिक्कत ही क्या है आप हमेशा मौजूद इसको बोलते नेबरहुड का डीपली स्ट्राइक इन द सेट आप सेट के बाहर नहीं हो आप सेट में हो और सेट में डीपली स्ट्राइक कर रहे हो सेट आपको छोड़ने को तैयार ही नहीं हो ऐसा बिहेवियर नेचुरल नंबर नहीं कर सकता नेचुरल नंबर के लिए इसीलिए ना दूसरा पॉइंट बनेगा ऐसे सेट जो इस तरह का बिहेवियर नहीं रखते जो अपने लोगों को टाइटली बाउंड करके नहीं रखता वो परिवार बिखर जाता है अब उस परिवार से आइसोलेटेड होता है ऐसे परिवार के पॉइंट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट पॉइंट कहे जाते हैं लिमिटिंग पॉइंट नहीं कहे जा सकते कॉन्टैक्ट में होना सोचो अगर आप सेट आपका नेबरहुड बन गया अगर सेट आपका नेबरहुड बन गया कल तो बताएंगे आप उस सेट के लिमिट पॉइंट आप उस सेट के ऐसे वैसे पॉइंट में आप उस सेट के लिमिट पॉइंट लिमिट पॉइंट इतना खास रिश्तेदार होगा ना दुनिया को न्योता बांट दो या दुनिया को न्योता ना बांटे उसको जरूर बांटो वो लिमिट पॉइंट आप उसको छोड़ ही नहीं सकते कॉन्टैक्ट पॉइंट छोड़ सकते कल को मान लो इसमें किसी का भी बर्थडे पड़े किसी का भी पड़े हमको न्योता नहीं दे सकते हम तुम्हारे लिमिट पॉइंट थोड़े ना चुपका में सर आए कि सर थोड़ा सा शरीर से थोड़ा ज़्यादा लग रहे हैं अरे बहुत कमाई नहीं है कम ही है लेकिन कहोगे ना सर का पेट ज़्यादा बड़ा है दो पीट खा लेंगे बुलाओ ही मत इनको तो हम तुम्हारे लिए ना कॉन्टैक्ट पॉइंट तुम हमको छोड़ सकते हो लेकिन जो तुम्हारा लिमिट पॉइंट होगा खास दोस्त जैसे सहेलियाँ कहती ना तुम नहीं आओगे तो केक नहीं काटेंगे चाहे रखिए कुल खाओ लेकिन तुम नहीं आओगे तो केक नहीं काटेंगे ये जो डायलॉग डिलीवरी हुई ना ये उस सहेली को फील कराता है हम लिमिट पॉइंट बन रहे हैं
उसको पिन कराएगा। लिमिट पॉइंट छोड़े नहीं जाते, लिमिट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है कि उसका कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करोगे वो सेट का इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट। और पता है क्लोज इंटरवल ए बी में जो एक नरा वाला पॉइंट होगा ना, जिसके लिए सेट नेबरहुड नहीं बना वो लिमिट पॉइंट होगा, वो लिमिट पॉइंट होगा। जो बीच में है जिनके लिए नेबरहुड बन गया वो तो लिमिट पॉइंट है ही, जिनके लिए नहीं भी बना वो भी लिमिट पॉइंट हो सकते। बस ऐसे टच में रहे कि सेट के कितने मेंबर इकट्ठे कर पाए, इनफाइनाइट। तो लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट निकलता इससे है, ठीक, और जनरलाइज होता है कि जितने लोग अगर किसी पॉइंट के लिए सेट नेबरहुड बन गया, अगर किसी पॉइंट के लिए सेट नेबरहुड बन गया तो वो पॉइंट सेट का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं बना नेबरहुड तो बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। ये बात है लिमिट पॉइंट का। तो ओपन इंटरवल के साथ ना सबसे बड़ी खासियत ये होती है इसके पास में बाउंड्री जैसी चीज का अभाव होता है। बाउंड्री नहीं तो आप कुछ छोड़ रहे ही नहीं, आप सब ले तुमको संतरा छील करके दे दे, बाउंड्री हटा दी क्या कुछ ले हो गया फुल खास। अब तुमको छिलका सही दे दिया, बाउंड्री के समेत दे दिए, क्लोज दे दिए बंद, अब क्लोज दे दिए तो आप किसको छोड़ रहे हो छिलका? मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा जैसे छिलके को भी खाने की कोशिश करें ना, इतना विटामिन सी अभी ले लिया। तो इस बात से ना दोबारा खाना 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 समझ कोई भी बाकी लोग इस बात से दोबारा कंफ्यूज मत होना। फिगर ऐसा बनाया जाता है ना, पता है अगर हम ओपन का फिगर बनाए ना जैसे ये सर्किल बना, अगर इसको ओपन करना चाहे ना उसका क्या करना पड़ेगा? कुछ बनाना ही नहीं पड़ेगा। ये बवाल है, इसीलिए ना लिमिटेशन है जो पढ़ रहे हैं ना, लिमिटेशन है। हम लोग ऐसा था बना अंदर वाली चीजें जो है ना वो एप्सिलॉन नेबरहुड है किसका? एक्स वन। दिस इज होल पॉइंट इज द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ द एक्स वन। इसके अंदर में तो कोई पॉइंट छोड़ो, लेकिन शर्त है वो पॉइंट बाउंड्री का नहीं होना चाहिए, क्योंकि एप्सिलॉन नेबरहुड क्या होता है? ओपन होता है, और ओपन के पास बाउंड्री नहीं होती है। इसका मतलब यहां मैंने मान लिया यहां एक पॉइंट छोड़ लिया। अब पता है दूरी कहां से आती है? ये वाली बनना, ये जहां नजदीकी पड़ रही है ना वहां से दूरी ना, तो ये बाउंड्री से नजदीक आ ठीक। ये जितनी डिस्टेंस होगी इसका आधा कर दो, जितनी होगी इसका आधा कर दो, वो आपका एप्सिलॉन हो गया। तो ये दूरी अगर हम करें ये इतनी टोटल मेरी डिस्टेंस है, तो इसका आधा मान करके ये वाला सर्किल ड्रा करो। ये सर्किल क्या आपके पुराने सेक्शन में कंटेंट है कि नहीं? अब पूरी तरह कंटेंट है, बराबर नहीं हुआ, पूरी तरह कंटेंट है। इसका मतलब ये आपका एम है व्हिच इज द मीडियम ऑफ ए, एंड दिस एम इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ द एप्सिलॉन प्रॉपर। अब ये बात क्लियर है? हमेशा ऐसा एक पॉसिबिलिटी हमेशा आप बना सकते हो। और सोचो एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट के अंदर में कितने पॉइंट होते हैं रियल नंबर की लाइन पर आते हो? कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट। उस सभी इनफाइनाइट पॉइंट के लिए ये थ्योरम, एक सिंगल पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिसके लिए थ्योरम कभी फेल होगा, हमेशा फेल होगा। इवन खुद एक्स नॉट के लिए, खुद एक्स नॉट के लिए क्या इसने ऐसा कहा? ए इज अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो इसका मतलब ए एक्स वन भी हो सकता है। जब तक वहां कहे डिस्टिंक्ट है तब तक तुम्हारे पास सर्वाधिकार सुरक्षित है। डिस्टिंक्ट भी लो, सेम भी लो, हर बात थोड़ी वेरीफाई करो। आओ एक्स वन बराबर ए ही ले लो, अगर एक्स वन बराबर ए ही ले लो तो थ्योरम कहती है कि इस चुने गए पॉइंट के लिए, आज हमने एक्स वन को नया नाम दे दिया कौन ए, तो ए का एक नेबरहुड ऐसा जरूर होगा जो इसी नेबरहुड का प्रॉपर सबसेट होगा। कैसे बनाओ? रेडियस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन बाय 2 कर दो, बस खाली ये तैयार। यानी कि x नॉट माइनस एप्सिलॉन बाय 2 से लेकर के x नॉट प्लस एप्सिलॉन बाय 2, दिस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ x नॉट माइनस एप्सिलॉन से लेकर के x नॉट प्लस एप्सिलॉन, व्हिच इज नोन एज एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ द। कभी गलत हमेशा सही। भाई बस फिलहाल के लिए रुको, कल इसका मतलब